न्यूट्रिशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आप लोग को साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, और आपका साइंस का जो चैप्टर है वह एडप्टेशन इन प्लांट्स है, और आपका स्टैंडर्ड फोर्थ का है। स्टैंडर्ड फोर्थ का जो एडप्टेशन ऑफ प्लांट के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे, तो पिछले वीडियो में जो हम डिस्कशन किए थे वह क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, फर्स्ट योर एक्वेटिक प्लांट, सेकंड योर टेरेस्ट्रियल प्लांट। एक्वेटिक प्लांट, द प्लांट ग्रो इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। द प्लांट दैट ग्रो इन लैंड इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका था, उसके पार्ट्स के बारे में भी डिस्कशन कर चुका था। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो पिछले वीडियो में भी बताए थे कि द प्लांट दैट ग्रो इन लैंड इज कॉल्ड, जो भूमि के ऊपर प्लांट का ग्रोथ होता है, ग्रोइंग होता है, वैसे प्लांट को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। तो इसका भी विभिन्न पार्ट्स है, विभिन्न तरह के क्षेत्र में विभिन्न पार्ट्स का जो प्लांट है वह विभिन्न तरह से प्लांटिंग होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड, वैसे प्लांट जो लैंड के ऊपर ग्रो करता है, आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, वैसे को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं वह विभिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट योर डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट दैट मीन्स मरुभूमि। तो डेजर्ट के जगह पे जो प्लांट होते हैं उसको हम डेजर्ट प्लांट कहते हैं। तो प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट, वैसे प्लांट जिसका ग्रोइंग, जिसका ग्रोथनेस गर्म जगहों पे होता है, या वेरी कोल्ड, या बहुत ठंडे जगह पे होता है, एंड ड्राई प्लेसेस, और जहां का जगह सूखा होता है, इज कॉल्ड डेजर्ट प्लांट, वैसे प्लांट को हम डेजर्ट प्लांट कहते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो इन हॉट और वेरी कोल्ड, जहां का जगह या तो बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, एंड ड्राई प्लेसेस, और सूखा हुआ है, इज कॉल्ड डेजर्ट प्लांट। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द डेजर्ट प्लांट इज कैक्टस एंड यूरोफोबिया। यूरोफोबिया एंड कैक्टस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट का और भी कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इन डेजर्ट टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो डेजर्ट प्लांट का में टेम्परेचर जो होता है वह बहुत अधिक होता है, बहुत गर्म जगह होता है, एंड वाटर इज वेरी लिटिल, लेकिन और पानी बहुत कम होता है। टेम्परेचर बहुत हाई, टेम्परेचर इज वेरी हाई, एंड वाटर इज वेरी लिटिल, और पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में होता है। द लीव्स आर मॉडिफाई इंटू स्पाइंस, इसके वजह से वहां जो लीव्स, पत्ती जो है वह प्लांट के पत्ती को मॉडिफाई करके वह उसको स्पाइंस मतलब कि कांटा के रूप में बदल देता है, जिसके कारण वह पानी को कम मात्रा में अवशोषित करते हैं, कम मात्रा में लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द डेजर्ट प्लांट इज कैक्टस एंड यूरोफोबिया। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वह प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, समतल जगह के जगह पे भी प्लांट का ग्रोथनेस होता है, प्लांट जो है वह ग्रो करते हैं। तो इन प्लेन्स, समतल जगह पे ट्रीज दैट मीन्स पेड़ हैव लॉट ऑफ ब्रांचेज, अधिक मात्रा में उसके अंदर शाखाएं निकली हुई रहती है, एंड लीव्स और पत्तियां रहती है। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स ऑफ प्लेन्स इज कॉल्ड नीम, मैंगो, सीसम एक्सेट्रा। ये सारा जो है एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स ऑफ प्लेन्स का है। दिस ट्री सेट दियर लीव्स इन विंटर, या ठंडे के मौसम में लीव्स के माध्यम से या चारों तरफ घिरे रहते हैं, टू द प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, जिसके माध्यम से जो बहुत अधिक मात्रा में जो ठंड पड़ती है उससे वह उसको प्रोटेक्ट करता है, उससे उसको रक्षा करता है। दे हैव बिग एंड ब्रॉड लिप्स, और इसका लिप्स जो होता है वह बहुत बड़ा होता है और चौड़ा होता है। मेनी स्टोमेटा एंड द लोअर साइड, स्टोमेटा मीन्स होता है रंध्र। तो प्लांट के पत्तियों में स्टोमेटा जो है उसके लोअर साइड में होता है। स्टोमेटा होल्स ऑफ द लीव्स, लीव्स के अंदर जो होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसी को स्टोमेटा कहते हैं, उसी को रंध्र कहते हैं। तो स्टोमेटा रहते हैं,
some common examples of the plants of plains is called neem, mango and sisam. नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड है वह प्लांट्स ऑफ द हिली एरियाज, पहाड़ी क्षेत्रों में प्लांट का क्या क्रिएशन होता है, किस ढंग के प्लांट वहां होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. तो ट्रीज डेट ग्रो ऑन हिली एरियाज, वैसे प्लांट जो पहाड़ी क्षेत्रों में ट्री ग्रो करते हैं आर यूजुअली जो मुख्य रूप से टॉल बहुत लंबे होते हैं, स्ट्रेट सीधे होते हैं एंड हैव कॉनिकल शेप, कॉनिकल में शंकुवाकार, शंकु के जैसा जिसका शेप होता है, शंकु के जैसा जिसका आकार होता है, शंकुवाकार दैट मींस दिस इज कॉल्ड शंकुवाकार, इस ढंग का जिसका आकार होता है, तो ऐसे प्लांट को हिली एरियाज प्लांट कहते हैं. उसके बारे में और कुछ भी डिस्कशन है, हाँ, सो दैट जिसके शंकुवाकार जो होते हैं उसके पीछे रीजन क्या है. So that the snow can easily slide off their branches. जिसके अगर उसके ऊपर बर्फ पड़ता है तो आसानी से वह नीचे की ओर गिर जाते हैं, जिसके कारण ऐसा आकार होता है. Their leaves are needle like a shape. Needle के जैसा इसका shape होता है इसके leaves का. For the examples of the plants of the hilly areas is pine, fir, cedar. It is the example of plants of the hilly areas. Next जो point पढ़ना है वह plants of the marshes. Marshes that means दलदल. अब वैसे प्लांट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो मार्शेस है, मतलब कि दलदल के क्षेत्रों में जिसका ग्रोथ रेस होता है. तो डिस्कशन कर रहे हैं कि प्लांट्स ऑफ मार्शेस, दलदल के क्षेत्र में प्लांट का ग्रोइंग कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं. द मर्सी एरियाज जो दलदल के क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र जो होते हैं, दलदली क्षेत्र वैसे को कहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कीचड़ रहता है, कीचड़ के साथ जो जो क्षेत्र होते हैं वैसे क्षेत्र को हम दलदल कहते हैं, मर्सेस कहते हैं. तो इन मर्सी एरियाज द सॉइल ऑफ द स्टिकी, स्टिकी मीन्स चिपचिपा, जिसका सॉइल क्या रहता है, चिपचिपा रहता है एंड क्लियर और क्ले, क्ले मीन्स कीचड़ से भरा हुआ होता है, वैसे क्षेत्र को हम मर्सेस एरियाज कहते हैं. सच टाइप ऑफ द सॉइल देयर आर वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सॉइल एंड पार्टिकल्स, इस तरह के सॉइल में बहुत कम जगह होते हैं. द ट्रीज डेट ग्रो इन दीज एरियाज, और जो मर्सेस एरियाज में जो ट्रीज ग्रो करते हैं बढ़ते हैं उन वैसे ट्रीज को मैन ग्रुप्स कहा जाता है. वैसे ट्रीज को क्या कहा जाता है, मैन ग्रुप्स. द ट्रीज डेट ग्रो इन मर्सेस एरियाज डेट इज कॉल्ड द मैन ग्रुप्स, वैसे ट्रीज को मैन ग्रुप्स कहा जाता है. दीज प्लांट्स ग्रो देयर द स्पेशल रूट्स अबव द सॉइल, और इस प्लांट के जो रूट्स होते हैं वह मुख्य प्रकार के होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग रूट्स, क्योंकि ये लोग जो ब्रेथ करते हैं, जो सांस लेते हैं वह रूट्स के माध्यम से सांस लेते हैं. ये सब जो है हम लोग जो प्लांट्स ऑफ द प्लेन्स, जो प्लेन्स के जगह का जो प्लांट है वो जो सांस लेते हैं वह पत्तियों के माध्यम से सांस लेते हैं, लेकिन जो मर्सेज एरिया के जो प्लांट होते हैं, मर्सेज एरिया दैट मीन दलदल के क्षेत्र के जो प्लांट होते हैं वो जो सांस लेते हैं, वो जो ब्रीथिंग का सिस्टम जो होता है वह रूट्स के माध्यम से करते हैं. फॉर ए सच प्लांट्स फाउंड इन द सुंदरबन डेल्टा, और इस तरह का प्लांट जो है वह सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है. फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स ऑफ द मर्सेज इज कॉल्ड सुंदरी एक प्रकार का प्लांट है, जो एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स ऑफ द मर्सेज, दलदल के क्षेत्र का यह एग्जाम्पल है. नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है वह आपका है प्लांट्स ऑफ द हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस. नेक्स्ट जो पॉइंट, प्लांट्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये नेक्स्ट पॉइंट. तो हॉट मीन्स गर्म होता है और ह्यूमिड मीन्स आर्द्र होता है. तो गर्म और आर्द्र के क्षेत्र के प्लांट कैसे होते हैं, आर्द्र गीला,
तो जो जगह हॉट होते हैं और जो आद्र होते हैं, ह्यूमिड होते हैं, गीला होते हैं, उस जगह के प्लांट जो है वह कैसा ग्रोथ करता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्लांट लाइक कोकोनट, रबर, सुगर केन एंड कॉफी ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स ऑफ द हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस इज कॉल्ड कोकोनट, रबर, सुगर केन इटीसी आर द एग्जाम्पल ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस ऑफ द प्लांट्स। कोई पूछे कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस प्लांट्स, तो फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस इज कोकोनट, रबर एंड सुगर केन। और भी बहुत कुछ है, कॉफी भी है। कॉफी भी जो है वह ऐसे ही क्षेत्र पे निकलता होता है। दीज प्लांट्स डू नॉट शेड लीव्स इन अ पार्टिकुलर सीजन। ये प्लांट को लीव्स का कोई शेड नहीं, छाया नहीं मिल पाता है। तो दीज प्लांट्स डू नॉट से शेड लीव्स इन अ पार्टिकुलर सीजन सो दे आर एवरग्रीन। इसके कारण यह हमेशा हरा रहता है। कोकोनट ट्रीज ग्रो वेल ऑन द सी कोस्ट। और कोकोनट हमेशा जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, सी कोस्ट मीन्स समुद्री क्षेत्र, तो समुद्री क्षेत्र होते हैं उसी जगह पे ज्यादा नारियल का पेड़ होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है, प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आपका है वह प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सीरियल, सीरियल मीन्स अनाज, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है। प्लांट जो है वह ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो कैसे करता है, लाइक द व्हीट, जो अनाज के पौधे हैं जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, बैम्बू, इटीसी बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। ये सारा जो है वह ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रास फैमिली इज व्हीट, राइस, मेज, बैम्बू। ये सारा जो है वह ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। एंड अ प्लांट किंगडम, और ये प्लांट का राजा होता है, क्योंकि सबसे मुख्य चीज जो भोजन जो है वह इसी प्लांट के माध्यम से मिलता है, प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली के माध्यम से। और प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली इज व्हीट, राइस, मेज, बैम्बू आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रास फैमिली। दिस प्लांट्स आर वेरी यूजफुल। यह प्लांट जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। फॉर द एग्जाम्पल एंड फॉर द रीजन आर द गिवेन बिलो। और वह कैसे उपयोगी हम लोगों के लिए, उसका रीजन जो है वह नीचे दिया हुआ है। उसका उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वह सीरियल, सीरियल्स मीन्स अनाज होता है। तो सीरियल्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस एंड फूडर फॉर एनिमल्स। अनाज जो है वह हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए भी भोजन को देता है और एनिमल्स जानवरों को भी भोजन यह देता है। बैम्बू इज एक्चुअली गेंट ग्रास यूज्ड टू मेकिंग ब्रूम्स, ब्रूम्स मीन्स झाड़ू। बैम्बू के मार से क्या बनता है, झाड़ू बनता है, बास्केट बनता है, चेयर्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं और हट्स बनते हैं, झोपड़ी भी बनाते हैं, चटाई भी बनाते हैं, आपको ब्रूम्स झाड़ू भी बनाते हैं। इन सभी चीज का प्रयोग हम बैम्बू को बनाने में करते हैं। सम प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपेयरिंग मेडिसिन। और कुछ जो प्लांट हैं, प्लांट के फैमिली हैं, जिसका उपयोग हम दवा बनाने में भी करते हैं। हार्बिवोरस एनिमल्स एंड द कैटल गेट दियर फूड फ्रॉम ग्रास। और जो शाकाहारी जीव जंतु हैं वो सारा जो है वह भोजन जो है वह घास को ही करते हैं, ना कि दूसरी चीज की करते हैं। तो ये इसी के साथ आपका एडोप्टेशन ऑफ द प्लांट्स, एडोप्टेशन इन द प्लांट्स जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर सेकंड है, वो आपका समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर और मीनिंग जो है वह हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। धन्यवाद।